1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म हम दोनों की। जी हाँ, देवानंद साहब को डबल रोल, साधना जी और नंदा जी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में रहीं। जयदेव साहब का म्यूजिक, साहिल लुधियानवी साहब ने लिखे गाने और बड़े कमाल के किस्से रहे हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, इस फिल्म के कलाकारों की जिंदगियों से जुड़े हुए। जैसे शुरुआत में मुझे याद आता है कि नंदा जी, इन्होंने एक फिल्म में देवानंद साहब की बहन का किरदार निभाया था। वो फिल्म रही मेरे ख्याल में काला बाजार, और उस वक्त देवानंद साहब ने बोला था कि नंदा तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, एक दिन ना मैं चाहूँगा कि तुम मेरी हीरोइन बनो। तो नंदा जी ने कहा कि देखिए, अब एक बार जब ये ठप्पा लग जाए ना, लेबल हो जाए कि भाई ये सिस्टर का रोल निभाती है, बहन के किरदार निभाती है, तो फिर हीरोइन किसी हीरो के साथ एक्सेप्ट नहीं की जाती है वो, तो ये रहने दीजिए। पर देव साहब ने कहा मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी और मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। कुछ वर्षों के बाद फिल्म हम दोनों का निर्माण शुरू होता है, और ये नवकेतन फिल्म्स की आखिरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म मानी गई। उसके बाद तो फिर कलर्ड फिल्म्स ही आई सारी, और इस फिल्म में चूँकि देवानंद साहब दो डबल रोल में थे तो लिहाजा एक हीरोइन साधना जी को चुना गया और दूसरी हीरोइन नंदा जी को चुना गया। या फिर यूं कहा जाए कि पहली हीरोइन नंदा जी चुनी गई और दूसरी हीरोइन साधना जी चुनी गई, है ना, क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है। और नंदा जी को बहुत अच्छा लगा कि भाई देव साहब ने जो वादा किया था वो निभाया। इस तरह से वो इस फिल्म में आई, और इस फिल्म से जुड़ी और भी बड़ी कमाल की बातें हैं, विजय आनंद साहब की ज़िंदगी से जुड़ी भी कुछ बातें हैं। कोशिश करूँगा कि ये तमाम किस्से जो हैं वो आपके साथ ज़रूर बांटे जाएँ, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। ज
जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं। दिल अभी भरा नहीं। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए क्या है कि आज के इस एपिसोड में हम फिल्म हम दोनों का जिक्र कर रहे हैं, इसके गानों का लुत्फ उठा रहे हैं। और जब फिल्म हम दोनों के संगीत की बात आती है तो ये वो फिल्म रही जिसमें जयदेव साहब ने संगीत दिया। अमूमन ये देखा गया कि देव साहब की फिल्मों के लिए ज़्यादातर संगीत जो है वो एस डी बर्मन साहब ने दिया। और एक वक्त ऐसा भी था जब जयदेव साहब दादा बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे, और जब इस फिल्म के लिए चुना गया जयदेव साहब को तो एक बात ये भी आई कि शायद लता जी, लता मंगेशकर जी इस फिल्म में गाने नहीं गाएंगी।
है ना, अधिकतर गाने तो रफ़ी साहब के हैं और आशा जी का गाना है, लेकिन लता जी ने तकरीबन इनकार कर दिया था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि बहुत साल पहले, इस फिल्म के बनने के कई बरस पहले, लता जी और SD बर्मन साहब का झगड़ा हो गया था, है ना, और लता जी ने कुछ वक्त तक उनके लिए गाने नहीं गाए थे, और उसका जिम्मेदार जो है उस झगड़े के लिए जिम्मेदार जयदेव साहब को भी माना गया कि भाई उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने कुछ मिसकम्युनिकेट कर दिया, इस तरह की बातें भी हुई। तो लता जी ने कहा भाई मैं कैसे गा सकती हूँ, और तब देवानंद साहब ने कहा था कि देखिए जयदेव बड़ा हुनरमंद संगीतकार है लता, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम नहीं गाओगी इस फिल्म में तो शायद जयदेव को ये फिल्म ना मिले, उसके लिए एक बड़ी चीज़ है ये। तो लता जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, कहते हाँ ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो लता जी ने कहा ठीक है मैं इस फिल्म में ज़रूर गाना गाऊंगी और कोई मलाल नहीं, कोई पुरानी बात जो है वो सामने नहीं आएगी। और ठीक वैसा हुआ, लता जी आई और इस फिल्म के लिए गाना गाया। तो ये किस्से जो है ना कहीं ज़रा छिपे से रहते हैं, और जब मौका मिलता है कि भाई इस फिल्म का जिक्र हो, उस ज़माने का जिक्र हो, तो ये किस्से ये दास्तानें भी तो आएंगे ना सामने, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात
निकले तो हर एक बात पे रोना आया कभी खुद पे। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और फिल्म हम दोनों का जिक्र चल रहा है। जी हाँ, फिल्म हम दोनों जो है इसके गानों का लुत्फ हम उठा रहे हैं। और इस फिल्म के संगीत की जब हम बात करते हैं, यूं तो पूरी की पूरी फिल्म बड़ी कमाल की बनकर आई थी। देव साहब का अभिनय, नंदा जी, साधना जी का अभिनय, तमाम कलाकारों का अभिनय बहुत ही प्रशंसनीय रहा और ये फिल्म एक माइलस्टोन फिल्म बनी। लेकिन हुआ क्या कि साहिल लुधियानवी साहब ने इस फिल्म के गाने लिखे, जयदेव साहब ने म्यूज़िक दिया। अमूमन होता यह है कि जब म्यूज़िक हिट हो तो ये संगीतकार और गीतकार की जोड़ी जो है आगे भी काम करती है, और ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ट्यूनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन इस फिल्म के बाद जयदेव साहब और साहिर साहब की जोड़ी बिखर गई, टूट गई। हाँ, हालांकि उसके बाद सुनील दत्त साहब ने कई बार कोशिश भी की कि कोई एक गाना बन जाए साहिर और जयदेव का, पर ऐसा होते होते रुक गया या कुछ काम आगे बढ़ा फिर अड़क गया। और देवानंद साहब का भी इस बात पे ये मानना था कि साहिर साहब एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहाँ पे वो एक मानते भी थे कि भाई उनके गानों की वजह से, जो वो लिखते हैं उसकी वजह से जो है कई फिल्में चलती हैं और गीतकार को जो है बड़ी तवज्जो दी जानी चाहिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन इसी बात पे एस जी बर्मन साहब से भी बात बिगड़ गई थी साहिर साहब की, और हो सकता है कि यही सारी चीज़ें आई हों सामने जिसकी वजह से जयदेव साहब और साहिर साहब ने फिर काम करना बंद कर दिया। लेकिन एक बार इतना कमाल का काम किया कि वो मेरे ख्याल में 50 फिल्में भी आ जाए ना सामने साथ में, उससे बढ़कर इन दोनों का काम आया फिल्म हम दोनों में, जब हम उसकी संगीत की बात करते हैं। तो हैं कुछ बड़े कमाल के किस्से आ जाते हैं सामने, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर।
बारहवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए कि फिल्म हम दोनों का जिक्र चल रहा है और देवानंद साहब की ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म रही। और देव साहब के बड़े भाई साहब चेतन आनंद साहब वो फिल्मों में आए और उन्हीं से मुतासिर होके इंस्पायर होके फिर देवानंद साहब भी फिल्मों में आए। और साथ ही सबसे छोटे गोल्डी आनंद जिन्हें प्यार से बुलाया गया यानी कि विजय आनंद साहब वो भी फिल्मों में आए। उन्होंने भी फिल्म्स डायरेक्ट की, एक्टिंग भी की और कमाल की फिल्म्स बनाई उन्होंने, चाहे वो गाइड रही कि जूल थीफ रही या फिर फिल्म रही जॉनी मेरा नाम, है ना, ये तमाम फिल्में बड़ी ज़बरदस्त रहीं और देव साहब के साथ काफ़ी इनका काम रहा। पर इस बात पे ज़रा कम गौर किया जाता है कि भाई इनके एक और भाई थे, हाँ वो रहे मनमोहन आनंद जो कि पेशे से एक वकील थे, है ना। उन्होंने वकालत ही करी और उन्होंने फिल्मों को नहीं चुना, जो अलग राह इख्तियार की वो दरअसल की थी चेतन आनंद साहब ने, जिनके पीछे पीछे फिर देवानंद साहब भी आ गए और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करना शुरू किया। और एक दिन देव साहब को लगा कि भाई मैं नौकरी करता रहूँगा तो फिर एक्टिंग कब करूँगा, तो लिहाजा इन्होंने फिर वो नौकरी छोड़ी और फिल्म्स की तरफ गए। प्रभात फिल्म्स में पहुँचे, दादा मुनि अशोक कुमार साहब का बड़ा इन्हें साथ मिला। अशोक कुमार साहब ने देव साहब को बोला भी तुम बनोगे हीरो, चिंता मत करो, हो जाएगा काम। तो इस तरह से कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई मिलती हैं, नज़र आती हैं। और ख़ासतौर पर जब हम गुजरे वक्त की सुनहरे दौर की फिल्मों का जिक्र करते हैं, उस संगीत का जिक्र करते हैं, उन कलाकारों का जिक्र करते हैं, तो ये सारी कहानियाँ, ये सारी कड़ियाँ, ये सारी बातें चली आती हैं सामने। कुछ ऐसी और बातें आपके साथ बांटूंगा सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ और फिल्म हम दोनों का जिक्र चल रहा है।
अब देखिए फिल्म हम दोनों बताया जाता है कि भाई नवकेतन फिल्म्स की आखिरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म रही, उसके बाद कलर फिल्म्स आई, लेकिन इसमें एक और बात है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इस फिल्म की जो हीरोइंस रहीं नंदा जी और साधना जी, ये दोनों बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहले काम करती थी। हाँ, बेबी नंदा या बेबी साधना इस तरह से इन्हें क्रेडिट्स मिला करते थे, और धीरे धीरे जो हैं, जाहिर सी बात है धीरे धीरे ही बड़े होते हैं सब लोग, लेकिन ये कम पाया जाता था उस वक्त कि भाई कोई चाइल्ड आर्टिस्ट जो है बड़े होकर इतना बड़ा स्टार बन जाए और इतनी बड़ी हीरोइन बन जाए, ये बड़ा कम हुआ करता था। पर इन दोनों ने लंबी इनिंग्स खेली, नंदा जी ने भी और साधना जी ने भी। अफसोस कि नंदा जी की कभी शादी नहीं हुई। शादी ना होना कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या था कि उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे नंदा जी पहुंची थी जहां पर इनकी शादी एंगेजमेंट तक तय हो गई थी फिल्म मेकर मनमोहन देसाई के साथ। जी हाँ, मनमोहन देसाई साहब की जो वाइफ थी वो गुजर गई थी, और कई बरसों के बाद उन्हें लगा कि भाई दूसरी शादी की जा सकती है। तो ये दोनों मिला भी करते थे, बैठा भी करते थे, बातें भी होती थी, और मनमोहन देसाई साहब इनके बहुत बड़े फ़ैन भी रहे, लेकिन शादी शायद किस्मत में ही नहीं थी। शादी होते उससे पहले ही मनमोहन देसाई साहब का दुखद अंत आ गया, वो ईश्वर को प्यारे हो गए, उनकी डेथ हो गई, और नंदा जी ने फिर ताम्र दोबारा शादी की तरफ देखा ही नहीं। यही होता है जब हम जाते हैं ना इस दौर में, तो इस दौर के कलाकारों की जिंदगियों में झांकने का ज़रा मौका मिलता है। कुछ बड़े शीरी अनुभव, कुछ बड़ी शीरी बातें आती हैं, कुछ तलख आती हैं, कुछ दुखद भी आती हैं, तो वो सब भी तो आपके साथ बांटी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो हमसे हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें केवल, खुशी मिले हमें केवल, जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आजमाओ तो जरा नजर मिलाओ तो, जरा नजर मिलाओ तो, ये जिस्म तो सही मगर दिलों में फासला नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक, और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।